जो है, क्योंकि आगे तो कोई ऐसा भव्य प्रकार का नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, इतना दूर आए हैं तो यही देख के जाएंगे। ओके, ये है फॉल, एक्चुअल फॉल। हम तो गलत समझ रहे थे। We can sit together. It's so beautiful. यहाँ से और नीचे ले जाएंगे आपको। We meant to be. वाह 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 वाह। Forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance, you can tell. You and me were meant to be. वाह भाई, राजा हिंदुस्तानी के गुपचुप भाई आके जशपुर। ये है राजा हिंदुस्तानी। तो रानीदार देखने के बाद अभी सीन ऐसा है कि हम जाएंगे रिजॉर्ट में, लंच करेंगे और लंच के बाद निकलते हैं कहीं अच्छी जगह। सनसेट पॉइंट भी जाना है उसके बाद। सनसेट पॉइंट। अरे डॉक्टर साहब, ये सनसेट पॉइंट का नाम क्या था आप बताए थे? देश देखा। यस, देश देखा यहाँ का सनसेट पॉइंट है। जशपुर के रिजॉर्ट से ये करीबन 30 किलोमीटर है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में इसी के साथ साथ यहाँ पे एक चाय का बगान भी है इसी रास्ते में। और एक और जगह क्या बता रहे थे बताओ? बाघमरा। यस, बाग बहरा से मिलता हुआ बाग मरा करके जगह थी, मेरे को ध्यान था। तो यहाँ पे बाग मरा भी जगह है जो कि 1 किलोमीटर पहले है उससे, सनसेट पॉइंट के 1 किलोमीटर पहले है, तो वो भी जा सकते हैं। और फिलहाल हम ये क्वेस्ट में है कि हम सनसेट होने से पहले पहुँच पाएंगे कि नहीं। अभी टाइम हो रहा है 4:47, रास्ते में है और एस्टिमेटेड टाइम हमारा 5:10 है गूगल मैप के हिसाब से। देखते हैं, पहुँचते हैं जल्दी जल्दी। तो हम अभी बढ़ रहे हैं चट्टान की ओर। सनसेट वैसे हो चुका है और दिस इज द परफेक्ट टाइम जब हम ड्रोन उड़ा सकते हैं। अराइव नहीं भैया, चढ़ाई अभी बाकी है मेरे दोस्त। पता चला खुदी को करके बुलंदी करा। अरे ज्यादा बुलंद होते होते पता चला
फिर खुद अल्लाह पूछे बंदे से, अब गुजरेगा कैसे। अरे बुलंद हो के मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा ऊपर चढ़ लिया, पता चला लौटते समय इतना अंधेरा कि रास्ता ही ना दिखे, तो मतलब क्या। इसीलिए मैं बोला अल्लाह बोलेगा बेटा उतरेगा कैसे, बस उतरेंगे कैसे देखते। स्पेशिप अब ये कैमरा कहाँ पकड़ेगा बेचारा मेरा, देखते हैं। ड्रोन उतारो वहाँ तक भेजो स्पेशिप को। अच्छा ये मयाली पर्वत यहाँ से भी दिख रहा है। ओह उस तरफ एक रिजॉर्ट भी देखा था हमने, ये लेक व्यू की तरफ। चलो भैया थोड़ा सांस ली जाए और ड्रोन शूटिंग की जाए। क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब अभी? मेरे पास उसका तो उसका भी यूज़ कर लूँ। बीच बीच हुआ ये है कि हम लोग चट्टान के ऊपर आ तो गए, सनसेट के मज़े भी ले लिए, अब उतरेंगे कैसे। अब उतरेंगे कैसे चट्टान के नीचे, देख के भैया मोबाइल वोबाइल मत देखो अभी। तो यहाँ तक के तो आ गए हम डायरेक्शन देख के कि भाई ऊपर जाना था ये पता है हमें, अब नीचे कैसे देखेंगे। नीचे का डायरेक्शन हमारी कार कहाँ रखी है, किधर जाना है। कार वहाँ कहीं पे है। हाँ कहाँ पे है, पिक करो पिक ले ली तो। हाँ नहीं ले रही है, अब बहुत ऊपर आ गए। ये भी कहीं पिक ले ली और बाद में पिक नहीं हुई ना, तो खुल कर कोई आ गया। हाँ हमारी वैसी लगी पड़ी, हमारी और लग जाएगी। सही बात है। ये देखिए जो चमक रहा है ना, चमक रहा है, कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये रॉक सॉल्ट है। दिस इज रॉक सॉल्ट एज पर डॉक्टर वरुण तापक। हाँ डॉक्टर साहब आज तो बड़ा क्रेजी हो गया ये तो। ओह माय गॉड, और जूते भी माउंटेन ट्रैकिंग वाले नहीं है, नॉर्मल वाले। देख के अरे फिसलन तो है बॉस। है छलांग मार देना भैया, क्या है इसमें, सीधा नीचे। कहाँ जा रहे हो भैया, पैरेलली उधर ही चलते जा रहा है, नीचे जाना है अपने को, गोल गोल थोड़ी घूमना चट्टान के। कभी जिंदगी में नीचे उतरते तो बताते भैया, फिर आपको व्लॉग में आएगा फिर ये। तो हमें ये घर दिख रहा है वहाँ पे, वो देखिए हम नीचे तो आ गए, इतना पता है, अब कार कहाँ है देखते हैं। बजाओ पक पक बजाओ पक पक। व्हाट द ब्लडी हेल, तारे सुपर ऑसम दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि कैमरे में कतई ना आएंगे। आपकी कार यहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे, यहाँ पे, हम यहाँ पे, हम यहाँ चढ़ गए थे। ठीक है नीचे तो आए चलो। अच्छा हुआ इस बीच ये था कि हमने सनसेट के मजे लिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ड्रोन ऑन शॉट्स भी लिए। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ जशपुर में ना नेटवर्क है नहीं, ऊपर गए तो हमें मिल गया नेट, और फिर तो आप जानते हो एक बार जो नोटिफिकेशन चालू हुए देखने को मन करते, फिर जब सर उठाए तो देखे तो गुप्त अंधेरा। समझ में कैसे टेक्नोलॉजी हमको मारती है। आप देखो भी ऐसी बात है, तो हम वापस जा रहे चलते फिरते, जो काम 15 मिनट में हो सकता था अभी हमारा 1 घंटा हो गया है।
करने की कोशिश में। हाँ, सबसे बढ़िया खुशी तो मुझे घर देख के हुई थी। जैसे ही मुझे दूर से घर दिखा नीचे, तो जो सुकून मिला कि हाँ भाई पहाड़ के नीचे तो उतर के, भाई चट्टान के ऊपर तो घर नहीं होगा किसी का। स्टिल ड्राइंग, पक-पक नहीं कर रहा है। पक-पक नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं, बस पहुंचते हैं अपनी कार के पास। अरे दिखी दिखी, वो रही कार, बजाओ बजाओ। ये रही, ये रही। यस, फाइनली फाइनली साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट आ गए। बस बस, खुशी का 10 किलोमीटर ट्रैक कर दिए। खुशी का ठिकाना नहीं है हमारे। हम फाइनली कार के पास आ गए हैं। कार में भाई साहब की जैकेट भी और सोना भी होगा, तो कम से कम कार और जैकेट में सो सकते हैं। गाड़ी चला सकते हैं। हाँ, अब जाएंगे हम वापस रिसोर्ट, फिर कहीं नहीं निकलेंगे रात को, कहीं नहीं निकलेंगे। कसम से कहीं नहीं निकलेंगे। कसम से, मतलब कि कोई चुतिया नहीं करेंगे। हाँ, हो गया आज के लिए, बहुत क्रेजी हो गया। अरे फ्रूटी भी मिली, रुको रुको, फ्रूटी पियेंगे भाई, प्यास लग रही है। चलो भाई साहब, याद आया डॉक्टर साहब एक बात, पता है ये जो देश देखा है, देश देखा का नाम देश देखा कैसे पड़ा है? बताइए बताइए। ये देखिए, छत्तीसगढ़ के निवासी इतने सीधे और स्पष्ट होते हैं कि यहाँ पे पहले क्या होता था, जो जशपुर की रानी थी यहाँ पे ऊपर जाती थी, और देश देखा जो स्पॉट है, जो पहाड़ है वहाँ के टॉप में, वहाँ वहाँ के टॉप में जाती थी, और टॉप में जाके पूरे अपने जो जशपुर का जगह है उसका पूरा व्यू आता था वहाँ से। तो पूरा व्यू वहाँ से आता है, व्यू आता था, जशपुर का जो एरिया है वो दिखता है। हाँ, तो इसीलिए उसका नाम देश देखा पड़ गया, क्योंकि उनके लिए वही देश था। अब गांव वाले बड़े इतने सीधे साधे, ऐसा नहीं कि माउंट किलिमंजारो और माउंट ये एवरेस्ट एवरेस्ट, तो मतलब देश दिखता था, देश देखा, खत्म किस्सा। तो ये है भाई, हाँ ये है छत्तीसगढ़ की जो मतलब आप बोलते हैं कि मासूमियत, मासूमियत, जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जो मतलब सीधे साधे लोग हैं, स्पष्टवादी, तो भाई देश दिखता था, तो देश देखा हो गया। सही लगा, दिल से लगा, बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए इधर आइए, पर पहाड़ों में मत खोइएगा, और रात होने से पहले कृपया पहाड़ चक्कर में ना पड़े। हाँ, मोबाइल के चक्कर में ना पड़े, निकल जाए वापस टाइम पे, वापस निकल जाए, रोशनी रोशनी में पहाड़ से नीचे उतर जाए, तो हमारे जैसा प्रॉब्लम। सोचा तो हमने भी था कि अंधेरे होने से पहले नीचे उतर जाएंगे, लेकिन मोबाइल में जो नेटवर्क आया और जो नोटिफिकेशन आने चालू हुए, उसमें कहीं ना कहीं हम खो गए। भाई साहब का भी कॉल आ गया था, क्या बोलेंगे भैया, होता है, सब होता है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ये देखिए बर्फ जमी हुई है रात की यहाँ पे सीट के ऊपर। ये भी बर्फ जमी हुई है। गुड मॉर्निंग हो गई यहाँ पे। आज हमें वापस निकलना है रायपुर के लिए, जल्दी से तैयार होना है, और रायपुर निकलेंगे करीबन 8 बजे के आसपास, तो पहुंचेंगे शाम रात तक के, यहाँ से सनराइज होता हुआ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है।